हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का जो इंग्लिश ग्रामर का एक जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो अक्सर एक नंबर का आता है कि अनलेस का रिराइट, यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पे, या फिर एक और आता है इफ नॉट के स्थान पे, और इफ नॉट के स्थान पे, इफ के स्थान पे या इफ नॉट के स्थान पे अनलेस का यूज करना है। ये रहे कुछ सेंटेंसेस। ये अभी ये प्रीवियस ईयर में आया था, 2023 में आया था, ये 2019, 2018, 2015। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इसी प्रकार से हर साल आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर इनको समझ लिया तो हमारा एक नंबर पक्का। आइए शुरू करते हैं। If you work hard, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, you will succeed, आप क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। सही बात है। तो इस सेंटेंस को unless का यूज करके बनाना है। तो unless, अब हम बना क्यों रहे? क्योंकि if हम क्या करेंगे, if के स्थान पे, क्योंकि if के स्थान पे unless का यूज करेंगे, तो जो if होता है इसका अर्थ होता है यदि, और unless का होता है यदि नहीं। ठीक है, अब हमें इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल सक्सीड, इसका बनाना है अनलेस का यूज करके। तो अनलेस, यदि नहीं, यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सफल नहीं होगे। सही बात है, कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। अनलेस, एक और प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो आप क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो इस प्रकार से हम अनलेस, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही होता है यदि नहीं। जब हमने यहां पे ऑलरेडी यहां पे था, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। सही बात है, अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस, यदि नहीं, यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सफल नहीं होगे। या फिर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो आप असफल हो जाओगे। आगे देखते हैं, इफ यू हैव, इफ ही डज नॉट टेक टैक्सी, इफ यदि ही डज नॉट टेक, वहां नहीं लेता है टैक्सी, ही विल मिस द ट्रेन, तो ट्रेन छूट जाएगी या ट्रेन छोड़ देगा, तो ही विल मिस द ट्रेन, तो ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। यदि वहां टैक्सी नहीं लेता है तो ट्रेन छूट जाएगी, अनलेस का यूज करके बनाना है। अनलेस ही टेक टैक्सी, यदि वहां टैक्सी नहीं लेता है, ही विल मिस द ट्रेन, तो ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। आगे करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की और वीडियोस इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आपके साथ। सारी ग्रामर्स का जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज समझेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ही डज हिज होमवर्क, यदि वह अपना होमवर्क करता है, तो द टीचर विल नॉट बी एंग्री, तो टीचर गुस्सा नहीं होंगे। सही बात है, अगर आप अपना सारा काम करेंगे सही समय पर, तो टीचर क्यों गुस्सा होंगी। आइए अनलेस का यूज करके बनाते हैं। अनलेस ही डज हिज होमवर्क, यदि वह अपना काम नहीं करता है, द टीचर विल बी एंग्री, तो टीचर क्या होंगी, गुस्सा होंगी। सही बात है, अनलेस ही डज हिज होमवर्क, यदि वह अपना काम नहीं करता है, क्यों, क्योंकि अनलेस का अर्थ क्या होता है, यदि नहीं, तो द टीचर विल बी एंग्री। अगला, इफ ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी लेता है, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो वह स्टेशन पर समय पर पहुंच जाएगा, अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस ही टेक अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्टेशन पहुंचने के लिए उसको समय पे जाना जरूरी है, और समय पे जाएगा तो टैक्सी लेना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर, अनलेस, अब इसमें हमें क्या करना है, उल्टा है, अनलेस के स्थान पे इफ का यूज करना है। ये ओनली वन सेंटेंस आया था कि अनलेस के स्थान पे हमें इफ का यूज करना है, कहां गया, ठीक है। अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो आपकी ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। यदि आप तेज नहीं दौड़ते हो तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, इसका बनाएंगे। इफ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर आप तेज नहीं दौड़ते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो ट्रेन क्या होगी, छूट जाएगी। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, इफ यदि दे डू नॉट नहीं करते वर्क काम प्रॉपरली, समय पर,
दे विल बी पनिश्ड, तो वो क्या होंगे, पनिश्ड होंगे, उन्हें सजा मिलेगी, सजा होगी। अब इसमें समझने वाली क्या चीज है, समझने वाली चीज है कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब आती है, और नॉट नहीं शब्द के लिए, और वर्क इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ही निकला है सब, वर्क है वर्क। इफ दे डू वर्क, इफ दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे समय पर काम करते हैं या सही से काम करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो इसका नेगेटिव बनेगा दे विल नॉट बी पनिश्ड, उन्हें कोई पनिश्ड नहीं करेंगे, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन हमने इसका नेगेटिव बनाया इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वे समय से सही से काम नहीं करते तो दे विल बी पनिश्ड, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। हमें बनाना है इसके स्थान पर अनलेस का, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, वे काम समय पर नहीं करते हैं, सॉरी अनलेस यदि नहीं दे वर्क वो काम करते प्रॉपरली सही से, दे विल बी पनिश्ड, तो उन्हें सजा मिलेगी या पनिशमेंट मिलेगी। इफ यू ज्वाइन द आर्मी, इफ यदि यू ज्वाइन करते हो द आर्मी, आर्मी को, यू विल गेट अ गुड सैलरी, तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। बट मैं इस सेंटेंस से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी सोल्जर पैसे के लिए आर्मी में नहीं जाता है, उसको अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है इसलिए जाता है। मनी इज सेकेंडरी मैटर, बट सेंटेंस बनाना है इफ यू ज्वाइन द आर्मी, यदि आप आर्मी ज्वाइन करते हो यू विल गेट अ गुड सैलरी, तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। अनलेस का, अनलेस यू ज्वाइन द आर्मी यू विल नॉट गेट अ गुड सैलरी, अनलेस यदि नहीं यू ज्वाइन द आर्मी, आप आर्मी ज्वाइन नहीं करते यू विल नॉट गेट अ गुड सैलरी, तो आपको एक अच्छी सैलरी नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है, अगर आप आर्मी ज्वाइन नहीं भी करते तो आप अच्छा काम करके भी पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ आसान भी नहीं है लेकिन बड़ी भी नहीं है। तो ये कुछ सेंटेंस थे, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये थे कुछ आपके आज के कुछ सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये एक होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अब बना के देखिए, अगर नहीं बनता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।